चलिए, तो आज कारगिल विजय दिवस है और उसी के तहत जो है मुख्यमंत्री ने आज जवानों को श्रद्धांजलि दी। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। स्वर्ण स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। जनता की तरफ से सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शौर्य स्मारक पहुंचे। उन्होंने सैनिकों को याद किया, भावभीनी श्रद्धांजलि सैनिकों के स्मारक पर दी। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। भूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो थे जिन्होंने हमारे देश की एक एक इंच जमीन दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमें उन पर गर्व है। माननीय अटल जी भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। हमारी सेनाओं ने ये दिखा दिया कि भारत माता की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। भारत अब महाशक्ति है, लेकिन हम सदैव प्रणाम करते हैं अपने वीर जवानों को। थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना या हमारी जल सेना हो, तीनों सेनाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। हमें अपने जवानों पर, अपनी सेनाओं पर गर्व है।